फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं आज क्लास नाइन्थ का मैथ प्रश्नावली 2.5। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। यहाँ पे जो पहला है एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर। यहां थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, हम लोग सरल समीकरण मतलब सूत्र सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करके और हम लोग इसका प्रसार करेंगे। यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस, अब ध्यान देना होगा ए के स्थान पे है एक्स, बी के स्थान पे है टू एक्स और सी के स्थान पे है फोर जे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर। सॉरी, यहां पे टू वाई है, टू वाई का होल स्क्वायर प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए का वैल्यू है एक्स, बी का वैल्यू है टू वाई और ठीक है, फिर प्लस टू बी का वैल्यू है टू वाई, सी का वैल्यू है फोर जेड प्लस टू सी का वैल्यू है फोर जेड और ए का वैल्यू है एक्स। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान चलते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस सोलह जेड स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस विचार चतुर का सोलह वाई जेड प्लस आठ जेड एक्स। इस तरह से ये हमारा इसका विस्तार हुआ, प्रसार हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां ध्यान देना होगा जो सूत्र है उसके आधार पर हमें ए बी सी का पहचान कर लेना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये होगा a माइनस बी, यहां माइनस है तो माइनस होगा प्लस सी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहां पे सूत्र का हम डिराइव करेंगे, देखेंगे हम लोग जैसे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब चाहे a प्लस हो b प्लस या माइनस हो, ये प्लस या माइनस हो, सी प्लस प्लस या माइनस हो, यहां पर प्लस ही होगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सुन प्लस नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, अब यहां पे आगे चलते हैं 2ab, तो यहां पे प्लस होगा या माइनस होगा ये देखना है, तो ए बी यानी कि a में b से गुना हुआ है, तो a में b से गुना हुआ है तो प्लस गुने माइनस इक्वल टू माइनस, यहां पे क्या होगा माइनस होगा, फिर 2bc और 2ca इस तरह से लिख लेना है 2ab 2bc 2ca। ठीक है, यहां a में b से गुना होगा, a में b से प्लस माइनस माइनस, फिर bc bc माइनस गुने प्लस इक्वल टू माइनस और ca, तो c के पहले प्लस है और a के पहले भी प्लस है, तो इसलिए प्लस गुने प्लस बराबर हो जाएगा यहां पे प्लस। ठीक है, इस तरह से हम लोग सूत्र को ध्यानपूर्वक लिखेंगे चिन्ह अच्छे ढंग से। अब चलते इसको बैठा जाए तो a के स्थान पर 2x, तो हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस b के स्थान पे y, तो y का स्क्वायर, c के स्थान पे z, तो z का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू है 2x और b का वैल्यू है y, फिर माइनस 2b का वैल्यू है y, c का वैल्यू है z, फिर प्लस 2 और c का वैल्यू है, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है z, z हो गया और a का वैल्यू हो गया 2x। चलते हैं इसको हम लोग 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy
माइनस टू वाई जेड, फिर प्लस फोर जेड एक्स, इस तरह से हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा यहां पे ए, यहां पे माइनस है, ठीक है, यहां पे इसके पहले माइनस है इसलिए माइनस ए प्लस बी और प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब लिखेंगे, फिर यहां पर टू ए बी टू बी सी टू सी है। ठीक है, अब यहां पे तीनों जगह चिन्ह देखा जाए, प्लस होगा या माइनस होगा, यहां प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस, प्लस या माइनस, ये देखा जाए। यहां पे क्या है ए बी, ए में बी से गुणा किए हैं तो चिन्ह में करते हैं माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे होगा माइनस, फिर बी सी यानी कि बी गुना सी प्लस गुणे प्लस इक्वल टू प्लस होगा, तो यहां पे प्लस हो जाएगा, फिर सी गुना ए प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस, यहां पे माइनस होगा। ठीक है, ऐसे सूत्र बैठाना है। अब चलते हैं इस इक्वल टू, तो हो जाएगा ए के स्थान पे है टू एक्स, तो हो जाएगा टू एक्स का होल स्क्वायर, प्लस बी के स्थान पे थ्री वाई, थ्री वाई का होल स्क्वायर, प्लस सी के स्थान पे टू जेड, टू जेड का होल स्क्वायर, माइनस टू इंटू ए का वैल्यू है टू एक्स, यहां चिन्ह अब रखने की आवश्यकता नहीं, याद रखना होगा क्योंकि हम शुरू में ही चिन्ह रख दिए हैं, चिन्ह का गुणा कर दिए हम, चिन्ह का समस्या यहां पे खत्म हो गया, अब हमें केवल अंक बैठाने हैं, ए के स्थान पे टू एक्स है, बी के स्थान पे थ्री वाई है, सी के स्थान पे टू जेड है, तो ए के स्थान पे टू एक्स, बी के स्थान पे थ्री वाई प्लस थ्री वाई गुणे सी के स्थान पे क्या है टू जेड, माइनस दो गुना टू जेड गुना ए के स्थान पे क्या है टू एक्स है। अब चलते हैं हम लोग इस इक्वल टू, फोर एक्स स्क्वायर प्लस नौ वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर माइनस बारह एक्स वाई प्लस छदना बारह वाई जेड, फिर माइनस चौदना आठ जेड एक्स या एक्स जेड भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का, चौथा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, 3a माइनस सेवन बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इस पर हम सूत्र देखें, यहां पे प्लस है तो a, फिर माइनस है तो माइनस बी, सी है तो माइनस सी का होल स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab यहां पे क्या होगा प्लस ए में बी से, ए में बी से तो प्लस माइनस 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 टू ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस टू बी सी, फिर सी में ए से माइनस प्लस माइनस माइनस टू सी ए, टू सी ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, ए का वैल्यू है थ्री ए, ए के स्थान पे कितना है थ्री ए है तो थ्री ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी के स्थान पे कितना है सेवन बी, सेवन बी का होल स्क्वायर, प्लस सी के स्थान पे क्या है सी के स्थान पे सी ही है तो प्लस सी स्क्वायर, माइनस टू ए के स्थान पे है थ्री ए। ठीक है, इसके बाद में बी के स्थान पे क्या है सेवन बी, और फिर प्लस टू गुने सेवन बी गुना सी के स्थान पे कितना है सी है, फिर माइनस टू सी के स्थान पे क्या है सी है और ए के स्थान पे है थ्री ए, हम लोग इज इक्वल टू ये हो जाएगा नौ ए स्क्वायर प्लस सात का वर्ग उनचास बी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस दो तीन छह छह सते बयालीस ए बी, फिर दो सते चौदह बी सी, और फिर माइनस छ सी ए, इस तरह से हमारा ये आंसर होगा।
ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव। इसका फाइव है माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर। यहां चलते हैं सूत्र, माइनस है तो माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस टू ए बी, फिर प्लस माइनस माइनस टू बी सी, फिर माइनस माइनस सी में सिग्नल करेंगे ना सी ए के लिए, माइनस माइनस प्लस तो प्लस टू सी ए, ध्यान देना होगा। अब इसके बाद चलते हैं बैठा जाए वैल्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस फाइव वाई का होल स्क्वायर प्लस थ्री जेड का होल स्क्वायर माइनस टू, ए का वैल्यू टू एक्स, डी का वैल्यू फाइव वाई, फिर माइनस टू डी का वैल्यू फाइव वाई, सी का वैल्यू थ्री जेड प्लस टू सी का वैल्यू थ्री जेड और ए का वैल्यू टू एक्स। इसके आगे हम लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस पच्चीस वाई स्क्वायर प्लस नौ जेड स्क्वायर, फिर माइनस तीन चार पचे बीस माइनस बीस एक्स वाई, फिर माइनस पांच दस दस तीस माइनस तीस वाई जेड, फिर प्लस द्वितीय छह दुना बारह प्लस बारह जेड एक्स। इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फाइव तो हो गया, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। छठवा क्वेश्चन है वन बाई फोर ए माइनस वन बाई टू बी प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग इस तरह से ही, यहां पे क्या हो जाएगा ए पहले प्लस है फिर माइनस बी फिर प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 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 टू ए बी, फिर माइनस प्लस माइनस टू बी सी, फिर प्लस 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 टू सी ए, ठीक है। इस इक्वल ये हो जाएगा ए के स्थान पे क्या है फोर ए है, बी के स्थान पे क्या है टू बी है और सी के स्थान पे क्या है वन है, ठीक है। तो हो जाएगा वन बाई फोर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है वन बाई टू बी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी है वन तो वन स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस टू इंटू ए का वैल्यू वन बाई फोर ए बी का वैल्यू वन बाई टू बी, ठीक है। फिर माइनस टू बी का वैल्यू क्या है वन बाई टू बी, सी का वैल्यू क्या है सी का वैल्यू है वन, फिर प्लस टू इंटू सी का वैल्यू क्या है वन और ए का वैल्यू क्या है वन बाई फोर ए, ठीक है। इस प्रकार से ये हुआ। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बट्टा में सोलह ए स्क्वायर प्लस एक बट्टा में चार बी स्क्वायर प्लस वन, फिर कट जाएगा तो हो जाएगा यहां पे माइनस वन बाई फोर ए बी, ठीक है। ये कट जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा दूसरी का चार तो हो जाएगा प्लस वन बाई टू ए। इस तरह से क्या हुआ हमारा ये, इस तरह से क्वेश्चन नंबर चार कंप्लीट हुआ। इस टाइप का जो भी प्रश्न रहेगा हम लोग इसी तरह से यहाँ के चिन्ह का ध्यान रखना होगा, चिन्ह अगर हम लोग सही यहां पर रखते हैं तो फिर आसानी से बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, बुरा लिखा कीजिए, यहां ध्यान रखो इसको हमें तोड़ना है, थोड़ा सा ध्यान रखो।
यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी होता है। तो उस तरह से हम लोग इतना बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यह जो हमारा प्रश्न है इसी फॉर्म में है, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको, और इसी फॉर्म में इसको तोड़ करके और इसको इस फॉर्म को विस्तार रूप को हमें शॉर्ट रूप में लिख देना है, ठीक है। तो चलते हम लोग, यहां पर जो है वह फोर एक्स स्क्वायर है, लिखेंगे टू एक्स का होल स्क्वायर, नौ वाई स्क्वायर है तो लिखेंगे थ्री वाई का होल स्क्वायर, सोलह जेड स्क्वायर है तो लिखेंगे चार जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पर हो जाएगा प्लस टू और एक्स, याद रखना होगा एक्स वाई, यहां ए के स्थान पे हम यहां पकड़ेंगे कि ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे है टू एक्स, बी के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे है थ्री वाई, और सी के स्थान पे क्या है, सी के स्थान पे है फोर जेड, यहां पे प्लस है टू ए बी, ए के स्थान पे हमारा हो जाएगा टू एक्स और फिर बी के स्थान पे हो जाएगा थ्री वाई, गुना करके देख लेते इतना आ रहा है कि नहीं, दूसरी चार शर्तें आई बारह एक्स वाई, ठीक है। फिर यहां पे चिन्ह बाद में लोग देखेंगे, अभी अभी यहां पे हम लोग नॉर्मली बैठा रहे हैं, ठीक ना, माइनस टू वाई जेड है तो देखते हैं हम लोग, इसके बाद बी सी आ रहा है तो बी का वैल्यू क्या है थ्री वाई और सी का वैल्यू है फोर जेड, तो दो गुने थ्री वाई गुने फोर जेड, देख ले रहे गुना करके कितना आ रहा है कि नहीं, दो तीन छह छह होगा चौबीस वाई जेड, है ना। फिर यहां पर है माइनस टू इंटू, देख लेते हैं सी ए का, सी का वैल्यू है फोर जेड फोर जेड और ए का वैल्यू है टू एक्स, तो हो जाएगा टू एक्स, गुना करके देख लेते हैं सोलह जेड आ रहा है, सोलह एक्स आ रहा है कि नहीं, दो सौ का आठ, आठ ना सोलह, जेड एक्स, जेड एक्स का है या एक्स जेड का है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इसको तोड़ लिया। अब थोड़ा सा ध्यान रहा होगा, यह है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू है टू एक्स, फिर यहां पे प्लस माइनस बाद में देखेंगे, यहां पर ही प्लस माइनस बाद में देखा जाएगा, बी का वैल्यू है थ्री वाई और फिर प्लस माइनस बाद में देखेंगे, सी का वैल्यू फोर जेड का होल स्क्वायर, ये तो होगा। अब यहां पे देखते हैं प्लस होगा माइनस होगा, यहां पे शुरू में प्लस है तो प्लस है तो दो ही तरह से प्लस हो सकता है, या प्लस गुने प्लस बराबर प्लस या माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस, या तो ये दोनों माइनस रहेगा या दोनों प्लस रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, या तो दोनों माइनस रहेगा या फिर दोनों प्लस होगा, तो हम इसको दोनों को प्लस ही रखते हैं, तो प्लस 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 हो जाएगा, है ना, तो यहां पे प्लस 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 होगा। फिर अगले बार में माइनस है, ये ध्यान रखना, यहां पे प्लस हो गया यहां पर माइनस, ठीक है, यहां पे प्लस हो गया यहां प्लस हो गया, यहां पर चिन्ह हम देखते हैं क्या होगा, क्योंकि यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है और यहां पर भी माइनस है, इसी फॉर्म है ना। तो लोग यहां पे ध्यान दे, अभी इसके बाद में माइनस है वाई जेड, वाई को जेड से गुना करेंगे तो माइनस होना चाहिए, तो वाई में जेड से गुना करेंगे माइनस कब आएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, यानी कि वाई में जेड से गुना किया गया तो उसका चिन्ह भी गुणित हुआ, तो प्लस में माइनस से गुना किया गया तो माइनस, यानी कि यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस होना चाहिए। और फिर देख लेते हैं जेड एक्स है, यहां पर एक्स जेड कहते हैं, एक्स में जेड से गुना करें तो माइनस होना चाहिए, तो यहां एक्स का चिन्ह क्या है प्लस और जेड का चिन्ह क्या है माइनस, तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, यानी कि हमारा यह चिन्ह सही है, यहां प्लस होगा यहां प्लस होगा और यहां पे माइनस होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यहां पे इसको तोड़े दिया गया। अब यहां पर होल स्क्वायर ये दो बार लिख सकते हैं, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड इंटू टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड, इस तरह से हमारा यह आंसर हुआ। अब चलते हैं अगला प्रश्न फाइव का, पांचवा का दूसरा, चलते हैं इसका दूसरा प्रश्न, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आठ जेड स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स वाई प्लस चार रूट दो एक्स वाई जेड माइनस आठ एक्स जेड। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहां पर टू एक्स स्क्वायर है, दो का वर्गमूल, यहां पे जो अंक होता है अगर सोलह एक्स स्क्वायर है तो
तो 4x का होल स्क्वायर आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, तो यहां पर 2 का वर्गमूल क्या होगा, रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, x का होल स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, यहां पर तो कोई अंक नहीं है तो सीधे y स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, फिर प्लस 8 का वर्गमूल क्या होगा, तो 8 का वर्गमूल होता है 2√2 जेड स्क्वायर, 8 का वर्गमूल अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 और 2 का वर्गमूल नहीं होगा इसलिए रूट के अंदर ही होगा, रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। अब चलते यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2a, a का वैल्यू √2x, b का वैल्यू y, ध्यान दिया जाए कौन से सूत्र पर यहां चल रहा है, यहां पर ये फॉर्मूला चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां माइनस है, माइनस 2ab फिर प्लस 2bc फिर माइनस 2ca, यहां पे इस फॉर्मूला चल रहा है, पहले इसको हम लोग इस रूप में तोड़ेंगे, हम लोग यहां पे माइनस है 2ab, ए का वैल्यू है 2x, बी का वैल्यू है वाई, फिर चलते हैं, फिर प्लस 2, प्लस है ना पे, माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो प्लस 2bc, b का वैल्यू है y, और c का वैल्यू है 2√2, 2√2 z, गुना करके देख लिया जाए, यहां पे 2√2 तो 2√2 हो जाएगा, 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2xy, इसको गुना करें दूरी का 4√2yz, फिर माइनस, ये हो गया माइनस 2ca, 2 गुना माइनस 2 गुना सी, सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू यहां पे है 2√2z, 2√2z, और फिर गुना ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है √2x, √2x, अब गुना करके देख लेते आ रहा है कि नहीं, तो ये 2 × 2 = 4, आर √2 × √2 = 2, तो 4 × 8 जेड एक्स या जेड का है, ठीक है, इस तरह से बराबर क्या होगा यहां पे ध्यान दिया जाए, यहां पे तो यहां पे ए बी सी यहां क्या होगा, प्लस या माइनस, लोग यहां चेक करते हैं प्लस या माइनस का चिन्ह, तो यहां पे माइनस है, ए में बी से गुना करने पर माइनस आना चाहिए, ए में बी से गुना करेंगे तो माइनस आना चाहिए, तो यहां पे अगर प्लस रखते हैं माइनस रखेंगे तभी ना प्लस को लिए माइनस बराबर माइनस होगा, तो यहां पर हो जाएगा यहां पे प्लस है यहां माइनस भी, यानी कि ए माइनस बी हो गया, अब हमको चाहिए बी में सी से गुना करने पर प्लस आना चाहिए, तो बी में सी से गुना करने पर प्लस आना चाहिए, ध्यान रहा होगा, तो माइनस में किसे गुना करेंगे प्लस आए, तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, यहां पे अगर प्लस रखते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहां पे माइनस, यहां पर भी माइनस, अब चलते हैं सी में ए से गुना करके माइनस आया, चेक कर लेते हैं सी यहां पे माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र हुआ ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसे भी सूत्र हम लिखवा चुके हैं, सीधे सीधे सूत्र हमने लिखवाया है, लेकिन यहां पर एक ही पर हम लोग बहुत से सूत्र को चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो यहां पे हम चिन्ह अच्छी तरह से बैठा सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है √2 √2x, फिर माइनस बी का वैल्यू क्या है वाई, और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हुआ इसका मतलब दो बार, तो √2x − y − √2z × √2x − y − √2z, इस तरह से ये आंसर हो गया, चलते हैं, इस तरह से 5 जो प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, तो यहां पे इसका पहला प्रश्न है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो ध्यान देना होगा यहां पे हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, इसको प्रसारित करना है पूरा रूप से प्रसारित करते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab + 3ab²,
ठीक है, यहां ए के स्थान पे क्या है 2x है, बी के स्थान पे 1 है, ठीक ना। तो हो जाएगा इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, फिर b का वैल्यू 1, फिर 3 इंटू ए का वैल्यू 2x गुने बी 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 का घात 3 बराबर 8, 8x क्यूब हो जाएगा, फिर 1 का घात 3 बराबर 1 का घन 1 ही होता है, फिर 2 का वर्ग 4, 4x स्क्वायर में 3 से गुणा करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर 1 में गुणा करेंगे वही होगा प्लस 3 गुना 6x, 1 का वर्ग 1 होगा, 1 में कितना गुणा करेंगे यही होगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न पर ध्यान देना होगा। इसमें दूसरा प्रश्न अब है, दूसरा प्रश्न है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तब यहां पे ध्यान दिया जाए, चूंकि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह से। अब यहां पे a के जगह पे क्या है, a के स्थान पे 2a है, b के स्थान पे 3b है, ठीक है। क्या हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर गुना b का वैल्यू है 3b प्लस 3a का वैल्यू है 2a और 3b का वैल्यू है 3b का, ठीक है। अब इस तरह से 2 का घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 8a क्यूब, ठीक है, माइनस 3 का घात 3 बराबर 27b क्यूब, फिर माइनस देखते हैं यहां पे 3 त्रिका 9 और 2 का वर्ग 4 तो मतलब होगा 36ab, तो हो जाएगा माइनस 36a स्क्वायर बी, क्योंकि a का वर्ग भी हुआ है, a स्क्वायर हो गया है, 3 3 का 9 और 2 का वर्ग 4 मतलब होगा 36 और a स्क्वायर बी, तो 36a स्क्वायर बी प्लस यहां पे 3 का वर्ग 9 और 3 गुना 6 तो 9 6 का 54 a, b का वर्ग b स्क्वायर तो 54 ab स्क्वायर इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखा जाए 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहां पे ध्यान देंगे हम लोग, चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए यहां पे दो ही आएगा, या तो a प्लस बी आए या a माइनस बी आ जाए, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं इज इक्वल टू a क्यूब, a का वैल्यू है 3/2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब, b का वैल्यू है 1 का क्यूब प्लस 3a का वैल्यू है 3/2x का होल स्क्वायर, b का वैल्यू है 1 प्लस 3a का वैल्यू है 3/2x और 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का घात 3 बराबर 27, 2 का घात 3 बराबर 8x क्यूब, फिर प्लस 1 और यहां पे हो जाएगा 3 का वर्ग 9। इसको थोड़ा सा एक बार विस्तार कर लेते हैं, है ना, एक बार और तोड़ लेते हैं, 3 गुना 9/4x स्क्वायर गुने 1, वैसे गुना करें ना करें लेकिन खैर चलते हैं, 3 गुना 3/2x गुने 1 का वर्ग 1। अब चलते हैं 27/8x क्यूब प्लस 1 और हो जाएगा 3 × 27 27/4x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस 3 × 9/4x, ठीक है। इस तरह से ये हमारा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं, x माइनस 2/3y
का होल क्यूब। ध्यान देते हैं हम लोग, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा। ए के आसन पे क्या है, एक्स है, बी के आसन पे क्या है, दो बटा तीन वाई है, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस दो बटा तीन वाई का होल क्यूब माइनस थ्री, ए का वैल्यू है एक्स एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू है दो बटा तीन वाई प्लस थ्री, ए का वैल्यू है एक्स, बी का वैल्यू है दो बटा थ्री वाई का स्क्वायर। और चलते हम लोग, एक्स क्यूब माइनस दो का घात तीन बराबर आठ, तीन घात तीन बराबर सत्ताईस वाई क्यूब, फिर ये कट गया तो दो एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई, और अब ये हो जाएगा तीन गुना एक्स गुना दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ वाई स्क्वायर, तीन थ्री का नौ, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस आठ बटा सत्ताईस वाई क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई, और फिर प्लस फोर बाई थ्री एक्स वाई स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर छह कंप्लीट हुआ।